अरमान मलिक के घर आई खुशियों को लगी किसकी नजर। आधी रात को एडमिट हुआ यूट्यूबर का एक महीने का बेटा जैद। लाडली की हालत देखकर फूट फूट कर रोई कृतिका मलिक। फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक के घर बीते दिनों एक दो नहीं बल्कि तीन तीन खुशियों ने दस्तक दी है। जहां एक तरफ उनकी पहली पत्नी पायल मलिक ने 26 अप्रैल को अपने जुड़वा बच्चों का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने 6 अप्रैल 2023 को बेटे जैद का वेलकम किया है। तीन तीन बच्चों के आने से मलिक फैमिली के घर में जहां एक तरफ खुशी का माहौल है, तो वहीं आए दिन कुछ न कुछ नई मुसीबतें भी उनकी जिंदगी में आ रही हैं। लगता है अरमान की फैमिली की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। दरअसल हाल ही में अरमान के बेटे जैद की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा, जिसके बाद उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस बात की जानकारी अरमान मलिक ने अपने हालिया वीडियो में दी है। खबरों के मुताबिक जैद को अचानक आधी रात में लूज मोशन होने लगे, जिसके बाद अरमान कृतिका के साथ बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसे दवा दी, फिर भी कोई आराम नहीं मिला। दो बार डॉक्टर के पास ले जाने के बाद भी जब जैद को कोई आराम नहीं मिला, तो अर्ली मॉर्निंग अरमान ने जैद को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। हालांकि अपने बच्चे की स्थिति को देखकर पायल और कृतिका दोनों फूट फूट कर रोने लगी, जबकि अरमान उन्हें शांत कराते दिखे। कृतिका ने हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए जैद की कुछ झलकियां भी दिखाई, जिसे देखकर वो रो पड़ी। हालांकि जिस चीज ने हमारा ध्यान खींचा वो ये थी कि पायल कृतिका के कठिन समय में उनके साथ खड़ी रही और उनका पूरा सपोर्ट किया। लेटेस्ट व्लॉग में पायल ने जैद की तबीयत के बारे में बात करते हुए बताया कि जैद को डायरिया हो गया है और उसकी हालत भी खराब हो रही है। लूज मोशन के दौरान बेबी के डायपर पर रेड डॉट देखकर पायल और कृतिका घबरा गई। दोनों पति अरमान के साथ तुरंत बच्चे को आधी रात को हॉस्पिटल ले गई और उसे एडमिट कराया। इस दौरान कृतिका रोने लगी और उन्हें देख पायल भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। बता दें कि सिर्फ जैद ही नहीं, पायल और कृतिका अपने तीनों बच्चों की हेल्थ को लेकर काफी परेशान हैं। जैद से पहले पायल का बेबी आयान भी बीमार हो गया था। इस बारे में जानकारी देते हुए कृतिका ने बताया था कि डायपर और पाउडर की वजह से आयान को राशिद हो गए हैं। फिलहाल डॉक्टर ने उन्हें उनके बच्चों को पाउडर लगाने से मना किया है। पाउडर की वजह से अयान की स्किन निकल रही है, इस वजह से पायल काफी परेशान है। वहीं एक के बाद एक बच्चे को बीमार देख अरमान भी काफी दुखी हैं। अरमान का कहना है कि शायद उनके बच्चों को नजर लग गई है, इसलिए एक के बाद एक सभी बीमार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।